नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आंसरार्टी प्रोग्राम में ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी जो आपके फर्स्ट पेपर में शामिल है, उससे कुछ प्रश्नों के उत्तर श्रृंखलाओं को हम लेकर आए हैं, प्रश्न उत्तर, और उनको देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में किस तरह से आप उनको लिखेंगे। इसकी बात करते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय। तो प्रश्न का एक भाग ये हुआ और दूसरा भाग ये हुआ। तो अब आप देखिए कि पहला भाग और दूसरे भाग दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं। तो पहला भाग है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा की परिभाषा पूछ रहा है, मृदा अपरदन की परिभाषा। तो मृदा अपरदन की परिभाषा क्या है, प्राकृतिक कारकों जैसे जल वायु आदि के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत का कट कर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जब जल और वायु अपने साथ या तो उड़ा करके या बहा करके, पानी बहाकर और हवा उड़ा करके मृदा अपरदन करते हैं। अब जब जल द्वारा अपरदन होगा उसे अवनलिका अपरदन कहेंगे, और जब हवा द्वारा अपरदन होगा उसे परतदार अपरदन कहेंगे। मृदा अपरदन जल वायु तथा हिमनदियों द्वारा होता है। वनस्पति विहीन तीव्र ढाल वाले प्रदेशों में जल के बहाव के कारण अवनलिका अपरदन होता है, जिसमें गहरी नालियां बन जाती हैं, जैसे चंबल तथा यमुना नदी की घाटियों में गहरी नालियां व बीहड़। आपको बता दें, जब नदी का तीव्र ढाल होगा और वहां पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहां पर निश्चित रूप से क्या होगा, कौन सा अपरदन होगा, अवनलिका अपरदन होगा, और नदियां जो है नाली और बीहर जैसी संरचना बना देती हैं। इसी को अवनलिका अपरदन कहा जाता है। जब तेज वायु बड़े क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत उड़ाकर ले जाती है तो इसे परतदार अपरदन कहते हैं, जैसे राजस्थान व निकटवर्ती क्षेत्र। आपको बता दें, राजस्थान में पवन द्वारा जो मिट्टी उड़ाई जाती है उसको जो है क्या कहा जाता है, परतदार अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परतदार अपरदन कहा जाता है। ग्राफ द्वारा इसको समझ सकते हैं, ये है पवन द्वारा मिट्टी को उड़ाने की कला। अब आप देखिए कि ये अगर इसको आप देखिए ग्राफ द्वारा, तो आप देख रहे हैं ये हवा है, ये हवा का प्रभाव आ रहा है किस पर, मिट्टी पर। हवा का प्रभाव मिट्टी पर है, जिससे मिट्टी ऊपर की ओर उड़ रही है, और उड़ने के बाद जब इसमें दबाव कम होगा तो अपने आप क्या होगा, एक जगह एकत्र हो जाएगी। ये क्या हो रही है, एकत्र हो रही है मिट्टी, और इसी को कहा जाएगा परतदार अपरदन। क्या कहा जाएगा, परतदार अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परतदार अपरदन कहा जाता है। कौन सा अपरदन कहा जाता है, परतदार अपरदन कहा जाता है। और ये प्रायः भारत के किन क्षेत्रों में होता है, राजस्थान व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में, निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। इसी को बोलते हैं परतदार अपरदन। क्या कहेंगे, परतदार अपरदन कहेंगे। अब बात करते हैं जल द्वारा, जल द्वारा अपरदन होता है, जल और हिमानी, जल और हिमानी। तो नदी जो है अपने तीव्र ढाल, जहां पर नदी का तीव्र ढाल होगा, ये नदी का तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल, और तीव्र ढाल पर नदी जो है क्या बनाएगी, एक अवनलिका अपरदन बनाए, क्या बनाए, अवनलिका अपरदन बनाती, जो क्या होगा, इस तरह से संरचनाएं बन सकती, या तो बीहड़ बनेगा, बीहड़, या तो क्या बनेगा, नाली जैसी संरचना बनेगी। कैसी बनेगी, नाली जैसी संरचना, नाली जैसी संरचना बनेगी। इस तरह की प्रक्रिया होती है, इसको जो है मृदा अपरदन
जल का मृदा अपरदन कहते हैं, जिसे अवनलिका अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवनलिका अपरदन कहा जाता है। अब आप सोचिए कि कभी भी आप मृदा अपरदन को रोकने का उपाय क्या ढूंढ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है, इस प्रश्न का दूसरा भाग है। तो मृदा अपरदन रोकने का जो उपाय है वह क्या है? तो मृदा अपरदन पर नियंत्रण हेतु दो प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। पहला है लघु उपाय और दूसरा है बृहद उपाय। लघु उपाय के अंतर्गत वनोरोपण, वृक्षों का रोपण, समोच्चरेखीय कृषि, ठूंठ एवं घास पात का उपयोग, अवनलिका रोधन, अधिक पशुचारण और झूम कृषि पर नियंत्रण, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु वेग तथा वायु अपरदन में अवरोधन के लिए सापेक्ष सुरक्षा पेटियों तथा वायु अपरदन में अवरोधन के लिए सुरक्षा पेटियों तथा वायु विच्छेदों का निर्माण करना, कृषि में एकांतर तकनीक का उपयोग, वैज्ञानिक सस्यावर्तन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, शुष्क कृषि का उपयोग आदि है। अब आपको मैं बता दूं ये भूमि को के कटाव को रोकने का उपाय है, अपरदन के कटाव को रोकने का उपाय है। पहला क्या है? अब इसमें देखिए कि पेड़ द्वारा, किसके द्वारा? पेड़ द्वारा मृदा अपरदन रोकने का जो उपाय है वह क्या है? वृक्ष द्वारा मृदा अपरदन रोकने का उपाय जो है, आपको बता दें कि पेड़ आप लगाएंगे, पेड़ जब लगाते हैं तो पेड़ों की जड़ें इस तरह की जड़ें होती हैं पेड़ों की। ये पेड़ों की जड़ें होती हैं, क्या करती हैं, ये मिट्टी को जकड़ लेती है। पूरा मिट्टी का भाग होगा, मिट्टी की इस पूरे भाग को क्या करती हैं? जकड़ लेती हैं। जब पानी तेजी से आता है और मृदा भी जब वृक्ष युक्त वो होगा, भाग होगा, अब ये मिट्टी का बहाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिट्टी के कटाव को रोकता कौन है? ये संरचना है, पेड़ का संरचना उसको क्या करती है, जड़ें इसको मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिसके कारण कम से कम मात्रा में मिट्टी बहती है। और यहां पर अवनलिका अपरदन नहीं होता, यहां पर अवनलिका अपरदन नहीं होगा, ठीक है, यहां पर अवनलिका अपरदन नहीं होगा। यह सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, ध्यान दे लीजिए, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि ढाल पर क्या करना चाहिए, ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना। जैसे आप उत्तराखंड में देखा होगा क्या करते हैं, जैसे ये ढाल है, मान लो जो ये ढाल है और ढाल पर जब खेती की जाती तो क्या करते हैं, खेतों में क्यारियां बना बना करके खेती की जाती है, बड़ी क्यारी, फिर छोटी क्यारी, फिर उससे भी छोटी क्यारी, यहां तक कि बाद में मिट्टी के बराबर बना देते हैं। इस तरह से सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं। और ये कहां पर खेती की जाती है, ये भी मृदा अपरदन रोकने के उपाय है। क्या है? मृदा अपरदन रोकने का उपाय है, मृदा अपरदन रोकने का उपाय इस तरह की विधि प्रयोग की जाती है। इसके बाद होता है समोच्च रेखीय कृषि द्वारा, ठूंठ द्वारा, घास पात लगाए, घास पात भी मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, इस तरह का उपयोग करके अवनलिका रोधन पशुचारण। जैसे मान लीजिए कि अवनलिका का मतलब होता है कि इस तरह की संरचना उसमें आ जाती है, जैसे ये इस तरह की संरचना उसमें आएगी, इस तरह की जो संरचनाएं होंगी, इस तरह की, यहां पर एक बांध बना दिया जाता है। जब बांध बनाया जाएगा, अगले ढाल पर पानी पहुंचने के पहले यहां पर रुक जाता है और परिणाम से बही हुई मिट्टी इसमें आ जाती है, सीधे से एक खेत का निर्माण यहां पर हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाती है। इसके बाद आप देखें अगला है बृहद उपाय। बृहद उपाय के अंतर्गत मृदा अपरदन रोकने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता होती है। मृदा अपरदन अगर रोकना है तो भूमि सुधार करना होता है। क्या करना होता है? बृहद उपाय के अंतर्गत मृदा अपरदन को रोकने और भूमि सुधार हेतु जो है जारी की गई बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाता है। इसमें बीहड़ भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, वनोरोपण, परती भूमि पुनरुद्धार, झूम कृषि पर नियंत्रण,
और क्षारीय ऊसर भूमि का उद्धार आदि शामिल होता है। और इसके द्वारा जो है हम करते हैं उपाय किसका, मतलब भूमि के कटाव को रोकने का उपाय करते हैं, भूमि के कटाव को रोकने का उपाय करते हैं किसके माध्यम से, इसके माध्यम से। अब ये आपको क्वेश्चन निश्चित से डाउट हो गया, मतलब डाउट इसका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि इस प्रश्न को लिखते समय इन सावधानियों को हमें बरतना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं भूकंप एवं, अगला प्रश्न है भूकंप एवं प्लेट टेक्टोनिक सह संबंध का विश्लेषण कीजिए, सहसंबंध का विश्लेषण कीजिए, समझ गए। तो ये प्रश्न है, अब आप देखते हैं भूकंप, भूकंप एवं प्लेट टेक्टोनिक सह संबंध का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें देखिए भूपटल में उत्पन्न तनाव के कारण आकस्मिक मुक्त होने से धरती की सतह हिलने की घटना भूकंप कहलाती है। सरल शब्दों में देखिए भूपटल में उत्पन्न तनाव के आकस्मिक मुक्त होने से धरती की सतह हिलने की घटना भूकंप कहलाती है। जैसे तनाव होगा और तनाव के बाद एकाएक मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। भूकंप प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न हो सकता है, भूकंप प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न हो सकता है। भूकंप आने के कारणों का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है। भूकंप आने का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग दृढ़ पिंडों का बना होता है जिसे प्लेट कहते हैं। अब तक 7 प्रमुख प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेट और अनेक लघु एवं सूक्ष्म प्लेटों की खोज की जा चुकी है। इन प्लेटों की परस्पर टकराहट से या घर्षण से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निकास होता है, यही ऊर्जा तरंगों के रूप में धरती की सतह तक पहुंच सकती है और भूकंप या कंपन उत्पन्न करता, भूकंप या कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप या कंपन उत्पन्न होता है। अब ये देखते हैं इसको हम ग्राफ द्वारा कैसे समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि यह है पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेट, यह है पृथ्वी की सतह नीचे प्लेट। रूपांतरित गति, गति दो प्रकार की होती, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, या तो दाएं या तो बाएं। प्लेटों के ऊपर नीचे होने के कारण भूकंप कैसे आता है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट है इसका नाम ए है और दूसरी प्लेट है जिसका नाम है बी। अब ये प्लेट ए की, ए बी प्लेट जो है ए के नीचे जा रही है, तो नीचे जाएगी तो ऊपर जाएगा, किसी दबाव बस ये क्या होता पीछे खिसक जाती है, परिणाम स्वरूप यहां पुनः गैप होगा तो ये क्या होगा ऊपर से नीचे क्यों घिसकेगा, और यही कारण है कि गति जो है यहां पर हो जाती है। इसको इसके बाद दूसरा क्या है, रूपांतरित गति में क्या होता है, प्लेट के एक दूसरे के दूर जाने के कारण प्लेटें एक दूसरे के दूर चली जाती हैं। जैसे ये प्लेट है यहां और बी प्लेट है यहां, तो ये दोनों एक दूसरे के निकट थी और दूर हो गए। जैसे आपने देखा होगा विश्व मैप में, आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप और भारतीय संरचनाएं एक एशिया महाद्वीप एक से जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते, जैसे एक के साथ जुड़े हुए होंगे। ऑस्ट्रेलिया ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका वाले भाग से भारत से अलग हुआ होगा, ऐसा प्रतीत होता है। अगर उनको मिला दिया जाए तो एक गोल पृथ्वी बन सकती है। इससे पता चलता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं या एक दूसरे के अंदर जाती रहती हैं। अब सारी गति की बात करें, अभिसारी गति क्या होता है, प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के कारण अभिसारी गति उत्पन्न होती है। जब प्लेटें एक दूसरे के द्वारा, जैसे ए है और बी है, आप देख लीजिए ये है ए यह है बी, अब ए बी दोनों पहले पास थे, अब इनमें गैपिंग होने लगी इससे भूकंप आता है, अब बी और ए फिर एक दूसरे के ऊपर दब रहे हैं, ए और बी
ये देखिए आप इस तरह से ये क्या हो रहे हैं, एक नीचे की ओर आ रहा है, दूसरा ऊपर की ओर जा रहा है, इससे भी गति होने की संभावना होती है। यही तनाव बाद में भूकंप को लाता है। क्या लाता है? भूकंप को लाता है। इस तरह से आप ग्राफ बनाकर इस प्रश्न को आसानी से आप समझा सकते हैं। इस तरह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भूकंप के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, और यही कारण है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसकी जो है वैज्ञानिक व्याख्या करता है। क्या करता है? वैज्ञानिक व्याख्या करता है। क्या करता है? वैज्ञानिक व्याख्या करता है, वैज्ञानिक व्याख्या करता है। और इसी वैज्ञानिक व्याख्या को, इसी इस वैज्ञानिक व्याख्या को जो है इस तरह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भूकंप के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, परंतु प्लेट टेक्टोनिक भूकंप का एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा उल्कापात, ज्वालामुखी घटनाएं, भ्रंशन, भूस्खलन आदि भी भूकंप के अन्य प्राकृतिक कारण हैं। नाभिकीय परीक्षण, बांध एवं जलाशय, खनन आदि भूकंप के मानव जनित कारण माने जाते हैं। आपको बता दें, नाभिकीय परीक्षण, जब हम बमों का परीक्षण करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर बम गिराते हैं कहीं पर, जैसे पोखरण है वहां पर परीक्षण किए, उससे गति जो उत्पन्न होगी उससे भूकंप आने की संभावना होती है। बांध एवं जलाशय, जब हम बांध बनाते हैं तो भार, पृथ्वी के भार में और दबाव में कमी और अधिकता बढ़ती है। खनन, जैसे आप कोयला खनन है, देखिए आप भारी मात्रा में पृथ्वी के अंदर अंदर पूरी खुदाई कर दी जाती है, बाद में किसी घटना कारण वो क्या होता है, एक दूसरे का स्थान घेरना चाहेगा, परिणाम क्या होगा, जब वो टूट जाता है और जब वो टूटेगा तो क्या करेगा, एक प्रकार की गति उत्पन्न करेगा। इसी को जो है, ये भी भूकंप के मानव जनित कारण होते हैं। ये भूकंप के मानव जनित कारक होते हैं, जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए जाए कारक, उसी को मानव जनित कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव जनित कारक कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 3 ये कहता है, मृदा अपरदन से होने वाली क्षति का उल्लेख करते हुए इसके समाधान के उपाय सुझाइए। आपने पिछले प्रश्न में देखा था कि मृदा अपरदन से होने वाली क्षति का उल्लेख, मृदा अपरदन से क्या क्या हानियां होती हैं और इसके समाधान के सुझाव बताइए। तो रोकने का उपाय तो बताना ही बताना है, साथ में इसके होने वाले अपरदन मतलब हानियां क्या क्या होती है उसको बताना है। तो अब इसको हम देखते हैं, मृदा पर प्रश्न का पहला भाग क्या है, मृदा अपरदन से होने वाली क्षति, तो पहला ये हो गया, दूसरा समाधान, ये दो हो गया। तो पहला खंड आप देखिए क्या है, मृदा अपरदन वर्तमान विश्व की एक गंभीर समस्या है। मृदा अपरदन पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है, क्योंकि प्रत्येक देशों में नदियां हैं, और नदियां नहीं है तो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान है तो वहां पर भी ये गतियां होती हैं, या तो परतदार या तो नलिका अपरदन बनता रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार विश्व की एक तिहाई मृदा क्षेत्र अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग 60% मृदा अपरदन से ग्रसित है। मृदा अपरदन से होने वाली क्षतियां हैं, क्या क्या हैं? भूमि का बंजरीकरण, भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है, इसको बोला जाता है भूमि का बंजरीकरण। भूमि का बंजरकरण का मतलब क्या होता है, भूमि में उत्पादन नहीं रह जाता, मतलब बेकार भूमि को बंजर बोलते हैं, मतलब बेकार भूमि क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। सूक्ष्म जीवों का विनाश, मृदा अपरदन की उर्वरता में ह्रास। आप जानते हैं केचुए, केचुए किसान का मित्र कहा जाता है इसको, किसान का मित्र कहा जाता है इसको। ये और अन्य छोटे छोटे जीव जो मृदा अपरदन, मृदा को उर्वर बनाते हैं, वो मृदा अपरदन के दौरान कटकर बह जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि नीचे वाली मिट्टी में वह तत्व नहीं रह जाता, जिसके कारण कृषि का उत्पादन उस मिट्टी में करना संभव नहीं होता है। अगला है भूमिगत जल स्तर में गिरावट।
भूमि के जल स्तर में गिरावट आ जाती है, अर्थात भूमि में रंध्र जो होते हैं, भूमि इस तरह के कणों से बनी होती है, इसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। और ये रंध्र जो है नष्ट हो जाते हैं, और जब नष्ट हो जाएंगे तो रोम छिद्र नष्ट हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप यहाँ पर जल नहीं रुकेगा। क्या नहीं रुकेगा? जल नहीं रुकेगा। और जल नहीं रुकेगा तो परिणाम क्या होगा? ये नदी में कटाव, ये जो पानी है ये क्या होगा, पानी न रुकने के कारण यहाँ पर क्या होगा, जल की कमी आ जाएगी। भूमिगत जल जब कम हो जाएगा तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति और नमी में कमी आने के कारण फसलें नहीं हो पाती हैं। अगला है भूमि की उत्पादकता में ह्रास, और इसके कारण भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाएगी, उत्पादकता में कमी आ जाती है, इसी को भू उत्पादकता बोलते हैं। मरुस्थलीकरण का विस्तार, मरुस्थलीकरण का विस्तार था मतलब रेतीली भूमि बढ़ने लगती है। रेतीली भूमि क्या होती है? बढ़ने लगती है। कृषि के क्षेत्र में कमी आएगी, जब भूमि ऊसर हो जाएगी या तो बंजर हो जाएगी या रेतीली हो जाएगी, यहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है, तो कृषि के क्षेत्रफल में क्या होगी? आभासी कमी हो जाएगी। जैव विविधता का ह्रास हो जाता है। जैव विविधता जैसे मान लीजिए खेत क्या है, एक मान लीजिए धान का खेत एक तंत्र बनाता है। धान का खेत एक क्या है? पारितंत्र, जैव विविधता बनाता है। क्या बनाता है? जैव विविधता बनाता है। परिणाम स्वरूप इसमें कमी आने के कारण क्या होगा, यह जो है पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे। और परिणाम स्वरूप जो है इस तरह की तकनीकी मतलब जैव विविधता में ह्रास आ जाएगी। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। अब जब जैव विविधता में कमी आएगी तो प्राकृतिक असंतुलन में भी कमी आ जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे कीड़ों को खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि खेत रेतीला हो गया, मान लीजिए कि खेत क्या हो जाता है, रेतीला हो जाता है, तो खेत रेतीला हो गया, रेतीला और रेतीला हो गया, तो यहाँ पर इसके पहले खेती होती थी धान की खेती होती, धान के खेतों में कीड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते थे, कीड़े और उनको खाने वाले पक्षी, और इनको खाने वाले पक्षी, बड़े पक्षी हो जाएंगे, और इनको खाने वाला जो है मान लीजिए एक मानव या अन्य जीव, तो ये खाद्य श्रृंखला जो है क्या होगी, बिगड़ जाएगी। और खाद्य श्रृंखला बिगड़ेगी तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। ये इसके जो है हानियां हैं। अब इसके समाधान की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि इसका समाधान क्या है। समाधान तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही मृदा अपरदन रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 1953 में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। तो एक प्रश्न पीटी के लिए है कि केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो सन 1953 में की गई थी। और इसके उद्देश्य क्या क्या थे, तो उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, असमतल भूमि को कृषि के योग्य बनाना, असमतल भूमि को कृषि के योग्य बनाना। जैसे इस तरह की भूमि जो थी इसको जो है किसी यंत्र की सहायता से बराबर भूमि में बदल दिया जाता था, अब एक लैंड बन जाता था जिससे खेती आसानी से की जा सक रही थी। दूसरा है मरुस्थली के प्रसार पर नियंत्रण, मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना, वर्तमान कृषिगत भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना, अपरदन मृदा अपरदन के प्रभावी रोकथाम के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। अब इसके लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाएंगी उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली बात है निर्वनीकरण का मतलब होता है वृक्षों की कटाई पर रोकथाम। वृक्षारोपण पहाड़ी ढालों पर विशेष जोर दिया गया। आपको बता दें कि जो चिपको आंदोलन हुआ वो पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ,
पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण को रोकथाम के लिए किया गया और यह जो है वृक्षारोपण पहाड़ी ढालों पर विशेष जोर दिया गया। जैसे पहाड़ी ढाल होते हैं ये मिट्टी का कटाव होगा, यहाँ पर कतार बाई कतार पेड़ लगा दिए जाते हैं। जब पेड़ होंगे यहाँ से ढलान जो पानी बहेगा इनको इनकी जड़ें क्या होंगी इनको रोक लेती हैं, परिणाम स्वरूप मृदा का कटाव कम से कम होता है। तो ढालों पर क्या किया जाता है पेड़ लगाने की प्रक्रिया हो गई। पशुचारण पर नियंत्रण किया गया, पशुचारण पर नियंत्रण किया गया, पशुओं के चरने से उनके खूर होते हैं, खूर समझते हैं ना पैर, पशुओं के जो पैर होते हैं इस तरह के, इसमें जो है क्या होता है मिट्टी कट जाती है और मिट्टी काट करके अपने साथ ले जाते हैं, परिणाम स्वरूप जो है इस तरह के पशुचारण पर नियंत्रण भी किया गया। फसल चक्र पद्धति का अपनाया जाना, फसल चक्र क्या होता है एक फसल के बाद, जैसे मान लीजिए कि रेशेदार, इसको क्या होता है ये आप जान लीजिए कि रेशेदार फसल के स्थान पर रेशेदार, जैसे मान लीजिए कि रेशेदार फसल है, रेशेदार जड़ वाली फसल, वाली फसल के बाद जो है ए बी ए प्राश्वज है तो दूसरा होगा मूसला जड़, मूसला जड़, मूसला जड़ वाली फसल, एक बार इस तरह की फसल अपनाई गई इस तरह की जड़ वाली फसल, तो दूसरी बार इस तरह की जड़ वाली फसल अपनाई गई, इस तरह की जड़ वाली फसल अपनाई गई, इसी को बोलते हैं फसल चक्र। ये जो है रेशेदार फसल या झखड़ा जड़ बोलते हैं, इसे मूसला जड़ बोलते हैं, ठीक है मूसला जड़ बोलते हैं, बी आपका प्रोसेस है। तो इस तरह की फसल चक्र अपनाया जाता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल हमेशा खेत को परती नहीं छोड़ा जाता, और रेशेदार के बाद मूसला, मूसला के बाद रेशेदार फसलें उगाया जाता है जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है और दूसरी तरफ जो है अपरदन कम से कम होता है, ये प्रक्रिया अपनाई गई। इसके बाद जो है जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी, और जैसे जल के, जैसे मान लीजिए खेत है, इस खेत में क्यारियां बना दी जाती, क्या बना दी क्यारी बना दी गई, क्यारी बना दी गई बड़ी छोटी, इस तरह क्यारी जब बना दी जाती है तो ये जो है ढाल पर नियंत्रण आ जाता है प्रायः, जिससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। गेहूं की फसल बोते समय ढलानों पर इस तरह के मेड़ बनाए जाते हैं। फसल चक्र पद्धति का अपनाया जाना, जल के तीव्र वेग को रोकथाम के लिए मेड़बंदी किया जाना, बीहड़ प्रबंधन, बीहड़ों का समतलीकरण कर वृक्षारोपण करना, ढालों पर सीढ़ी नुमा कृषि करना, सिंचाई सिंचाई स्प्रिंकलर एवं छिड़काव विधि का प्रयोग करना। आपको बता दें फब्बारा विधि आ गई, जैसे मान लीजिए पाइप होगा, पाइप में विभिन्न प्रकार के छेद होंगे, ये पानी के फब्बारे मारेंगे, इस तरह से एक सिंचाई होती है। एक क्या होता है इस तरह का यंत्र होता है, इसमें पाइप लगा रहता है, इसमें फब्बारे निकलते हैं, छेद होते हैं, इस तरह की एक विधि का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं फब्बारा विधि। क्या बोलते हैं फब्बारा, फब्बारा विधि, इससे सिंचाई की जाती है फब्बारा विधि से। और दूसरा जो है ये किया जाता है पाइप द्वारा, जितनी भूमि जल की आवश्यकता होगी उतनी ही जल भूमि में दिया जाता है, परिणाम स्वरूप जो है मृदा अपरदन को आसानी से रोका जाता है। अगला है समोच्च रेखीय ढाल के लंबवत जुताई। अब आप जानते समोच्च रेखीय जो ढाल होता है उसकी लंबवत जुताई की जाती है, जैसे मान लीजिए इस तरह की भूमि है इस पे जुताई इस तरह से होगी, इस तरह से जुताई की जाती है जिससे ये कटाव इधर की ओर न होकर के वहीं पर इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैव उर्वरकों के प्रयोग द्वारा मृदा उर्वरता की शक्ति को बनाए रखना, जैव उर्वरकों के प्रयोग द्वारा मृदा उर्वरता की शक्ति को बनाए रखना एक कारण, उपयुक्त प्रयासों के सम्मिलित प्रभाव से मृदा अपरदन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है जिससे मृदा की उत्पादकता में वृद्धि संभव है, इससे जो है मृदा की उर्वरता में वृद्धि संभव हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है, अगला है आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया, अगली प्रक्रिया क्या है ज्वालामुखी प्रक्रिया। अब देखिए ये है ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है, प्रश्न का भाग एक
दूसरा है ज्वालामुखी कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह है इसका भाग दो। क्या है? भाग दो। अब देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूगर्भ से मैग्मा बनने से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार के द्वारा धरातल पर लावा के प्रभाव प्रवाह होने तक की क्रिया को शामिल किया जाता है। भूगर्भ में अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों का गलन होकर तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित होने लगातार लगता है। जब तक यह पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा का ऊर्ध्व प्रवाह होता है एवं ज्वालामुखी से धरातल पर मैग्मा का उद्गार होता है तो उसे लावा कहा जाता है। आप इसको ग्राफ द्वारा देख सकते हैं। यहां पर पृथ्वी क्या है, अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों का गलन यहां पर होता है। दूसरा ऊपर की ओर क्या है, मैग्मा का ऊर्ध्व प्रवाह है ऊपर की ओर। इसके बाद ज्वालामुखी नली ये है, इसके बाद लावा का उद्गार, लावा बाहर निकलता है। अगर लावा ऊपर आकर के सूख जाता है, इस तरह की विधि बना लेता है, अब यहाँ पे झील तैयार होगी, इसे क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्रेटर झील का निर्माण होता है। ये गंधक से युक्त होती है और इसका पानी जो है क्या होता है, गर्म होता है, जिसमें चर्म रोगी अगर स्नान करता है तो ये आराम से ठीक हो जाता है। कुछ जनजातियां इसमें चावल भी पकाने का कार्य करती हैं। आइए, ज्वालामुखी छिद्र होता है, ज्वालामुखी छिद्र से जब मैग्मा बाहर निकलता है इसी को जो है क्या कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बता दे, इसी को, इसी से बनती है काली मिट्टी का क्षेत्र। क्या बनता है? काली मिट्टी बनती है, जिसे लावा की मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अब ज्वालामुखी की संरचना, ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी तात्पर्य उच्छिद्र अथवा दरार से है। आप देखते हैं ज्वालामुखी की परिभाषा क्या है, अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी की परिभाषा अगर देखें तो क्या है, ज्वालामुखी की परिभाषा अगर देखें तो क्या है उसकी बात करते हैं, ज्वालामुखी की परिभाषा। अब आपको बता दें कि ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल कण आदि बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के ऊपर के आधार पर ज्वालामुखी को निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ज्वालामुखी को तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जाता है। ये इसके उत्पत्ति के आधार पर ज्वालामुखी के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सिल्ड ज्वालामुखी। सिल्ड ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी क्या है, ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। सामान्यतः ये कम विस्फोट तक होते हैं। इन ज्वालामुखियों के निकास पर एक शंकु बना होता है। क्या बना होता है? शंकु की आकृति बनी होती, इस तरह की आकृति बन जाती है इसमें, इस तरह की, इसी को शंकु बोलते हैं। शंकु की आकृति बन जाती है, इस तरह की एक आकृति बन जाती है जिसे शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। शंकु की आकृति बन जाती है और इस आकृति को, जिसको शंकु बोलते हैं, आकृति बन जाती है। हवाई द्वीप, इसका उदाहरण क्या क्या है, हवाई द्वीप का ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। मिश्रित ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये ज्वालामुखी प्रायः अधिक विस्फोटक होते हैं। इनमें उद्गारित लावा बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडा व गाढ़ा होता है। जैसे जापान का माउंट फ्यूजी, जापान का माउंट फ्यूजी जो है मिश्रित ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। अगला है ज्वालामुखी कुंड, अगला ज्वालामुखी का प्रकार है जिसका नाम है ज्वालामुखी कुंड। ये क्या होते हैं ज्वालामुखी, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, जिनमें विस्फोट के बाद धसाव होता है। धसे हुए ध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड बन कहा जाता है। जैसे इंडोनेशिया का क्राकातोआ ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का काकातोआ जो है ज्वालामुखी, इसी तरह का ज्वालामुखी है। यह सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होता है।
अगला है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र द्वारा निर्मित ये होते हैं। ये ज्वालामुखी एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में अधिक तरल लावा का उद्गार करते हैं तथा भारत का दक्कन बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र का उदाहरण है। आपको बता दें दक्कन मतलब दक्षिण भारत, दक्कन इसका जो है एक उदाहरण है दक्कन, और ये जो है बेसाल्ट का उदाहरण है भारत का। ये भारत में पाया जाना वाला मुख्य रूप से एक ज्वालामुखी है दक्कन का। इसके बाद आता है मध्य भूमध्य सागरी कटक ज्वालामुखी। ये क्या होता है, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरी बेसिन क्षेत्रों में होता है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता, जैसे किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप का किलाउआ सागरी कटक ज्वालामुखी है, जो प्रायः जो है मध्य सागरी कटक ज्वालामुखी का उदाहरण है, जिसका नाम क्या है किलाउआ। यह हवाई द्वीप पर स्थित महत्वपूर्ण क्या है ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त उद्गार की अवधि के अनुसार, इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी का एक और प्रकार है जिसे हम उद्गार की अवधि के आधार पर करते हैं। ज्वालामुखी का एक अगला प्रकार है जिसे उद्गार की अवधि के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को जागृत जिसमें सदैव उद्गार होता रहता है, प्रसुप्त उद्गार बाद में शांत परंतु अचानक उद्गार प्रारंभ होता है, शांत उद्गार पूर्णतया समाप्त ज्वालामुखी में विभाजित किया जाता है। तो इसमें कौन कौन होता है, जागृत ज्वालामुखी, दूसरा आता प्रसुप्त ज्वालामुखी और फिर शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी के अन्य उदाहरण है। अगला है प्रश्न संख्या 5, देखते हैं हम क्या है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। एक प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका महाद्वीपीय, क्या है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, पहला नंबर। दूसरा है इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तो आप इसकी बात करते हैं जर्मन जलवायुविद्ता एवं भूगोल शास्त्रीय अल्फ्रेड बेगनर द्वारा 1912 ईस्वी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया, 1912 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत की भूतल भू संकल्पना यह है कि प्रारंभ में सभी महाद्वीप पैंजिया रूपी एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे तथा इस भूखंड के चारों ओर पैंथलासा ऊपरी विशाल महासागर था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का सर्वप्रथम दो बड़े महाद्वीपीय पिंडो लारेसिया और गोडवाना लैंड, पहला था लारेसिया और दूसरा बना गोडवाना लैंड में क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंड, एक उत्तरी दूसरा दक्षिणी भूखंड के रूप में विभाजन हुआ। कैसे विभाजन हुआ, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के रूप में इसका विभाजन हुआ। इसके पश्चात लारेसिया एवं गोडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए तथा पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित ध्रुवीय फिलिंग बल पोलर फिलिंग फोर्स और सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध ज्वारीय बल के कारण विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हुए। लारेसिया के विखंडन से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर अफ्रीका के ठीक बगल में है मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका अस्तित्व में आए। ये जो है अस्तित्व में आए आ जाते हैं। इसके बाद
बेगना के बेगना के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पांजिया का विखंडन एवं महाद्वीपीय प्रभाव, ये प्रवाह क्या है? अब आप इसको देखिए, बेगना जो है, बेगना ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। बेगना ने इसके लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिन प्रमाणों में कुछ समानताएं हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, बेगना ने अंटार्कटिका महासागर के दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना, पर्वत क्रमों में समानता, चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाशेषों, वनस्पति के अवक्षेपों में पर्याप्त समानता बताई है। उनके अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को अगर जोड़ा जाए तो वे अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। अगर जोड़ा जाए दोनों को तो वो क्या होंगे, अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अवसादी चट्टान टिलाइट हिमानी निक्षेपण से निर्मित होते हैं। इन टिलाइट चट्टानों का भारत, अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप कहां है, आपको पता, अर्जेंटीना के ठीक बगल में है, मेडागास्कर महाद्वीप है, या मतलब एक देश है जो अफ्रीका के बगल में पड़ता है। और ये जो है आपका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये जो है इसके स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद देखिए मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीवों की अस्थियां दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील के इरावर शैल समूह में मिलना यह प्रमाणित करता है कि दोनों स्थल एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। अब आपको बता दें कि मेसोसारस जीव के जो जीवाश्म है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिलना और यहां पर मिलना, दोनों जो है एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, इस तरह का सिद्धांत ये प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद लैमूर नामक जीव का भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलना, लैमूर नामक जीव जो है का भारत में, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलना महत्वपूर्ण माना गया है। इस तरह वनस्पतियों, जंतुओं एवं तटीय भू आकृतियों, चट्टानों एवं मृदा की एक समान विशेषता इस बात की पुष्टि करती है कि आज के बिखरे भूक्षेत्र कभी एक रहे होंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो बेगनर का ये जो सिद्धांत है, निश्चित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो बेगनर का है, यह निश्चित रूप से सत्य है, किसी तरह से असत्य नहीं है। तो बेगनर की थ्योरी निश्चित रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण थ्योरी है और इस बात की पुष्टि आप इन साक्ष्यों द्वारा कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।